हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ प्रोडक्ट थिंकर कनेक्ट प्लस व्हिच इज हैविंग कैपेसिटी टू कन्वर्ट एनी डिस्प्ले स्टार्टिंग फ्रॉम 32 इंच टू 75 इंच इनटू इंटरैक्टिव टच पैनल। सो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था अनबॉक्सिंग ऑफ थिंकर कनेक्ट प्लस। इस डिवाइस का हमने अनबॉक्सिंग देखा था कि किस क्या क्या चीजें इनके बॉक्स में आती है। तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं और व्हाइट बोर्ड में जो फीचर्स मिलते हैं वो कैसे ये आपको डिफरेंट बनाता है अलग डिवाइसेस से। सो बेसिकली शुरुआत में अगर हम थिंकर कनेक्ट डिवाइस की बात करें तो थिंकर कनेक्ट प्लस फुल HD कैमरा और 4 मेंस माइक के साथ आता है, जिसमें ऑटोमेटिक इको कैंसिलेशन होता है। तो नॉइज कैंसिलेशन एंड इको कैंसिलेशन इसमें इनबिल्ट होता है, तो काफी क्लियर एंड क्रिस्पी वॉइस आपको फार एंड पे मिलता है। फुल HD कैमरा 110 डिग्री का व्यूइंग एंगल होता है। सो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग छोटे रूम्स के लिए जहां 15 लोगों की आसपास की सिटिंग है वहां पे आप आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। सो इसको दूसरा जो बेनिफिट है, इसके साथ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों तरफ से व्हाइट बोर्ड को यूज कर सकते हैं, इंटरैक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। लाइक एक स्टैंड अलोन मोड होता है, उस स्टैंड अलोन मोड में आपको PC की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सिंपल अपने टेलीविजन को या डिस्प्ले को व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पर आप लिख सकते हैं जैसे आप इंटरैक्टिव टेलीविजन पे लिखते हैं। सेकेंड मोड इसमें होता है लैपटॉप मोड। लैपटॉप मोड को हम तब यूज करते हैं जब आपको ऑनलाइन सपोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको यूज करना है, तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैमरा माइक जैसा मैंने बताया उसमें ऑलरेडी इन बिल्ट है, प्लस व्हाइट बोर्डिंग भी आप थ्रू लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करना है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग योर वीडियो कॉन्फ्रेंस, देन यू कैन यूज योर लैपटॉप ऑल्सो। तो ये दो मोड में ये आपका चलेगा। सो आगे हम बात करेंगे कि इसके इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डिवाइस है थिंकर कनेक्ट। इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए हम इसको माउंट करते हैं पैनल के ऊपर। यहां हमने 65 इंच का पैनल लगा रखा है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसको माउंट कर रखा है। इसमें इजी माउंट क्लिप होता है, इसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप खोल के पीछे इसको डबल टेप इसके साथ आता है, एक एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन को लगा के आपको चिपकाना होता है। प्लस यहाँ भी 3M के टेप्स लगे होते हैं जिसको खोल के आपको पैनल पे बस चिपका देना है। एंड मेक श्योर कि ये पैनल के बीचों बीच में, यहाँ जो एरो बना हुआ है वो एरो पैनल के बीचों बीच में आए। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसमें पीछे में काफी सारे पोर्ट्स दे रखे हैं। इसमें पहला पोर्ट आपको दिखाई जो दे रहा है ये रीसेट का होता है कि कभी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है डिवाइस में या तो कभी कुछ खराबी आ गई तो आप यहाँ से रीसेट करेंगे तो ये फैक्ट्री सेटिंग पे ऑटोमेटिक चला जाता है। सेकेंड पोर्ट इज 3.5 mm जैक, ऑडियो जैक होता है और ऑडियो आउट के लिए। देन वी हैव RJ45 केबल, ये लैन केबल होता है, इसके थ्रू आप डायरेक्ट आप इंटरनेट का कनेक्शन भी इसको दे सकते हैं। ये बेसिकली आपका यूज होगा ऑफलाइन मोड में, जब आप PC यूज नहीं कर रहे देन यू कैन यूज दिस पोर्ट। देन वी हैव 1 HDMI पोर्ट, देन वी हैव पावर सॉकेट, देन वी हैव माइक्रो SD कार्ड स्लॉट एंड देयर इज 2 USB पोर्ट, वन इज USB इन एंड वन इज USB आउट। सो यहाँ पे जब आप कनेक्शन आप देते हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कनेक्ट इसको करना है। सो सबसे पहले आप जब अनबॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि एक रिमोट इसके साथ आता है, उसका ब्लूटूथ एडॉप्टर सबसे पहले आप USB इन पोर्ट में आप इंसर्ट करेंगे। लास्ट से दूसरा जो पोर्ट है उसमें आप इंसर्ट करेंगे। देन वी हैव 2 सॉकेट्स, वन इज पावर, जो गोल सा बीच में आप देखेंगे गोल सा पोर्ट है उसमें हमने पावर का लगाया है, एंड ये USB स्लॉट, यहाँ माइक्रो USB जो है स्लॉट है उस पे हमने
इसको कनेक्ट किया है। इसके अलावा एक और इसमें कनेक्शन हमें जो करना है दैट इज HDMI। HDMI को हमने कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको माउंट करूंगा और आपको दिखाऊंगा। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ये HDMI जो इसमें कनेक्टेड है वो आपके डिस्प्ले में कनेक्ट होगा और जो USB आपने कनेक्ट किया है माइक्रो USB वो आपके लैपटॉप में कनेक्ट होगा। बाकी कनेक्टिविटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताता चाहूंगा। सो अभी आप देख सकते हैं हमने ये 65 इंच का पैनल के साथ इसको अटैच किया। ये नॉर्मल डिस्प्ले है, नॉन टच डिस्प्ले है। यहाँ पे हमने इसको माउंट किया है इजी माउंट के थ्रू और डबल टेप के थ्रू इसको जस्ट माउंट कर दिया है। इसकी जो कनेक्टिविटी है जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें जो HDMI पोर्ट है उस HDMI पोर्ट को हमने पोर्ट 1 में यहाँ पे कनेक्ट किया है एंड एक और HDMI पोर्ट जो पैनल का पोर्ट है उसे हमने लैपटॉप में कनेक्ट किया है। सो दो HDMI आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, वन फॉर टिंकर कनेक्ट टू पैनल एंड वन फॉर पैनल टू लैपटॉप। अगर आप ऑफलाइन मोड यूज कर रहे हैं उसमें आपको लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ जो सी टाइप जो USB केबल है वो आपके लैपटॉप में जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब आप ऑफलाइन मोड स्टैंड अलोन मोड यूज कर रहे हैं, जो ऑनलाइन आप यूज नहीं कर रहे तो आपको USB केबल लैपटॉप से बाहर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक अपना इंस्टॉलेशन हो गया। इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। पावर अडाप्टर हमने लगा दिया ऑलरेडी। अब मैं आगे आप जो भी वीडियोस होंगे उसमें हाउ टू यूज द पैनल और किस तरीके से कैलिब्रेट करते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।